बावरिया की शैलजा को कामयाब यात्रा पर बधाई। निजी प्रोग्राम बता चुके कांग्रेस प्रभारी का यूटर्न, बोले मुझे भी पहुंचना था पर मीटिंग आ गई। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की ओर से निकाली जा रही जन संदेश यात्रा को पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया ने कामयाब बताया है। उन्होंने इसके लिए तीनों नेताओं को बधाई भी दी है। दीपक बावरिया वही शख्स हैं जिन्होंने SRK गुट की ये यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले 16 जनवरी को इसे शैलजा गुट का निजी प्रोग्राम बताया था। उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से इसमें शामिल न होने के लिए भी कहा था। अब लगभग 20 दिन बाद उन्होंने खुद इसे कामयाब बताते हुए तीनों नेताओं को बधाई दी है। दीपक बावरिया ने कहा, मुझे खुद 4 फरवरी को कैथल और 5 फरवरी को अम्बाला में इस यात्रा में शामिल होना था, लेकिन दिल्ली में अचानक पार्टी की एक मीटिंग आ जाने के कारण इस यात्रा में नहीं पहुंच पाया। यात्रा कामयाब रही और इसके लिए कांग्रेस के नेता बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस प्रभारी के इस यूटर्न के बारे में कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ऐसा हुआ है। हाईकमान पार्टी वर्करों को यह संदेश देना चाहता था कि हरियाणा कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में BJP से टक्कर लेने के लिए एकजुटता जरूरी है। SRK गुट की सफलता। हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले यूथ फॉर चेंज के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह भारत कहते हैं कि इस यात्रा के जरिए SRK गुट ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और वोटरों से सीधा संवाद स्थापित किया है। उन्होंने दिखाया है कि वह हुड्डा गुट के सामने टिके रह सकते हैं। यात्रा को मिले समर्थन के बाद आलाकमान को भी लग रहा है इसे इग्नोर करना सही नहीं होगा। यह SRK गुट के लिए किसी सफलता से कम नहीं है। हालांकि यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने बकायदा पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र जारी कर कहा था कि कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम में ही भाग लें। उन्होंने शैलजा की यात्रा को उनका निजी प्रोग्राम बताया था। अब यात्रा के पहले चरण का 5 फरवरी को अम्बाला में आखिरी पड़ाव सम्पन्न हो चुका है। हालांकि यात्रा को प्रदेश में जो समर्थन मिला उसके बाद शैलजा खेमाई से आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। हाईकमान लगा चुका है दोनों गुटों की क्लास। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने 17 जनवरी को हिसार से जनसंदेश यात्रा शुरू की थी और हुड्डा खेमे ने पहले दिन ही इसमें किनारा कर लिया। शुरू में यात्रा के पोस्टरों में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो नहीं थे और SRK गुट खुलकर हुड्डा कैंप पर निशाना साध रहा था। 22 जनवरी के आसपास राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों गुटों को असम बुलाकर दो टूक कहा था कि आपसी गुटबाजी खत्म कर वर्करों को एकजुटता का संदेश दें। उसके बाद हुड्डा कैंप ने जहां अपनी बयानबाजी बंद कर दी, वहीं SRK गुट ने यात्रा के पोस्टरों में उदयभान और हुड्डा के फोटो लगाने शुरू कर दिए। तो क्या हुड्डा खेमा कमजोर पड़ गया है? इस सवाल पर करनाल स्थित दयाल सिंह कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले डॉक्टर रामजी लाल कहते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लंबे अरसे से हुड्डा का विकल्प तलाश रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। यह पहला मौका है जब कांग्रेस में हुड्डा विरोधी खेमा यानी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी एक साथ एक मंच पर आए हैं। इससे यह तिकड़ी मजबूत हुई, लेकिन हुड्डा अभी भी हैवीवेट है। शैलजा रणदीप के दिल्ली दरबार में सीधी पहुंच SRK गुट शैलजा रणदीप की दिल्ली दरबार में सीधी पहुंच SRK गुट की बड़ी सफलता है। यह नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पर हुड्डा का फेवर करने का आरोप लगा चुके हैं। हुड्डा की सहमति के बगैर पहली बार ऐसी यात्रा। डॉक्टर रामजी लाल कहते हैं कि हुड्डा तो कमजोर नहीं हुआ, लेकिन SRK गुट मजबूत जरूर हुआ है। आज तक हरियाणा में हुड्डा की सहमति के बगैर कोई दूसरा कांग्रेसी नेता ऐसी यात्रा नहीं निकाल पाया। पहली बार
शैलजा हिसार और अम्बाला से बाहर प्रदेश लेवल पर खुद को स्थापित करती दिख रही हैं। समर्थन तो उन्हें तब भी नहीं मिला जब वह प्रदेश अध्यक्ष थी। कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। बड़े नेताओं की आपसी खींचतान के प्रकरण में 9 साल से सरकार चल रही भाजपा का रास्ता आसान हो जाता है। वीरेंद्र भारत के मुताबिक एक तरफ कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे ये यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी ओर हुड्डा गुट के प्रदेश में जिला स्तर पर जन आक्रोश रैलियां कर रहा है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल नहीं बना पा रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी अंदरूनी कलह है। अगर कांग्रेस एकजुट हो जाए तो वह भाजपा को ज्यादा टक्कर दे सकती है। K9 मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।